नमस्ते मैं हूपाल पायल की आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ कुछ और ओवर द लीक्ड व्हाट्सएप चैट्स ऑफ अर्णब गोस्वामी जी हाँ हम सबको पता है कि अर्नब गोस्वामी की लीक्ड व्हाट्सएप चैट से लिबरल सेक्यूलर्स और फेमिनिस्ट बहुत खुश हुए कहीं ना कहीं मेरे को भी लगता है कि व्हाट्सएप चैट इसलिए रिलीज करी गई क्योंकि अर्नब गोस्वामी को बलि का बकरा बनाना था व्हाट्सएप को ऑब्वियसली एक्सपोज करने के लिए और सिग्नल को प्रमोट करने के लिए सिग्नल जो एक सॉफ्टवेयर है जिसे ट्विटर प्रमोट कर रहा है ट्विटर जिसने मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया और ये ट्विटर के सॉफ्टवेयर सिग्नल को प्रमोट करने के लिए मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट्स लीक करे तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मेरा अकाउंट जो ट्विटर के अंदर था वो शायद मुंबई पुलिस की वजह से बैन हो गया होगा क्योंकि मुझे तो ईमेल में सिर्फ इतना ही बोला गया था कि गवर्नमेंट एजेंसी या लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसी की वजह से हम ये अकाउंट निकाल रहे हैं उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया था मगर मुंबई पुलिस हैज गुड कनेक्शंस एंड आई फील मुंबई पुलिस लव्स ट्विटर मोर देन फेसबुक दैट इज वाई मुंबई पुलिस सिग्नल को प्रमोट करने के लिए व्हाट्सएप को ऑब्वियसली डिमोनाइज कर रहा है और उन्होंने ऐसे किया बाय रिलीजिंग अर्नब गोस्वामीज व्हाट्सएप चैट तो यहां पर एक तीर से दो निशान हो गए ऑब्वियसली सिग्नल का प्रमोशन हो गया साथ साथ में उनका जो दुश्मन था अनब गोस्वामी उसका जो निजी सोच था वो पब्लिक डोमेन पर आ गया अब अर्नब गोस्वामी की जो पब्लिक डोमेन पर चैट्स आई है वहां परिमिनेटिंग फैक्ट इज टेरर अटैक के बाद हम सबको पता था कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी यू you नो know, पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करने वाले हैं बिकॉज ही इज मोदी जी ही इज नॉट मनमोहन सिंह ही इज नॉट गोइंग टू टेक द अटैक लाइन डाउन जिस अटैक के अंदर हमारे जवानों की मौत हुई इनफैक्ट मैंने भी वीडियोस बनाए और बहुत ज्यादा यू you नो know, आक्रोश था हम सबके अंदर बिकॉज इस तरह से बार बार पाकिस्तान हमारे जवानों के ऊपर अटैक करता है एंड वी जस्ट लेट इट गो बिकॉज हम गांधी जी के चेले हैं दिस इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड एनी मोर सो बालाकोट एयर स्ट्राइक होने वाला था मगर हमको पता था कि कोई ना कोई एयर स्ट्राइक होने वाला था अब अगर अर्नब को पता था कि वो स्पेसिफिकली बालाकोट एयर स्ट्राइक है तो अर्नब के कोई दोस्त होंगे पीएमओ ऑ ऑफिस के अंदर क्योंकि उसने बोला है कि स्मृति ईरानी मेरी फ्रेंड है मैं यहाँ पे फोन कर सकता हूँ वहां पे फोन कर सकता हूँ सबके सब जगह कनेक्शन होते हैं

हमको अर्नब गोस्वामी की सोच पता चल गई मगर क्या हमको यू you नो know, परम सिंह धैया की सोच पता है मैं खाली मुंबई पुलिस से सवाल कर रही हूं क्या हमें पता है उद्धव ठाकरे जी की सोच क्या है हमें ऑब्वियसली अर्नब गोस्वामी जी की सोच पता चल गई क्योंकि अर्नब गोस्वामी का मुंबई पुलिस के साथ छत्तीस का आंकड़ा था एंड मुंबई पुलिस ऑब्वियसली ट्विटर के साथ सेटिंग रखता है जहां पर वो अकाउंट्स को उड़ा भी देता है ब्लॉक भी कर देता है क्योंकि मुंबई पुलिस ने मेरा ट्विटर का अकाउंट ब्लॉक किया था जब मैंने उनके साथ पहले संपर्क किया था सो मे बी लुकिंग एट दिस डेवलपमेंट आई फील मुंबई पुलिस ने ही मेरा ट्विटर का अकाउंट सस्पेंड किया होगा पर जब मेरा ट्विटर का अकाउंट सस्पेंड हुआ था तो तब उस समय मुझे लगा था कि सलमान खान के

हम सबको पता था कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री पुलवामा टेरर अटैक का जवाब देंगे अब वो एयर स्ट्राइक कब होगा कौन सी जगह होगा ये तो ऑब्वियसली आई एफ एन पी एम ओज ऑफिस न्यू बट ऑब्वियसली उसके अंदर शायद कोई दोस्त होंगे अर्नब गोस्वामी के बिकॉज उसने खुद ही बोला है कि स्मृति ईरानी इज अ ग्रेट फ्रेंड एंड शी वॉज गेटिंग आई एन बी मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो इन टू थाउजेंड सेवेंटीन और हम सबको पता है कि एकता कपूर भी तो स्मृति ईरानी की बहुत अच्छी दोस्त है और आज की तारीख में उसको भी पद्मश्री मिल रहा है डा शी डिजर्व अ पद्मश्री आई डोंट नो बट शी इज गेटिंग अ प्रदम

स्वामी डीमन ह्यूमन बींग्रेंड बिटवी इससे लोग देश के अंदर रहते हैं जो देश को बेचते हैं धर्म को बेचते हैं लेट सी इफ मुंबई गु रिलीज उन लोगों की व्हाट्सअप चैट नमस्ते जय हिंद